आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं न्यूमेरिकल ऑफ यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन या इंटीरियर सॉल्यूशन। तो ये यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन क्या होता है, इंटीरियर सॉल्यूशन क्या होता है। ओके, ये मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। यूटिलिटी मैक्सिमाइज जहाँ पे होती है, जहाँ पे स्लोप ऑफ बजट लाइन और हमारा स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इक्वल होती है या टेंजेंट होती है। ओके, और इंटीरियर सॉल्यूशन वहाँ पे होता है जहाँ पे दोनों कमोडिटी का कंजम्पशन जो है पॉजिटिव अमाउंट में करते हैं। ठीक है, तो ये आई होप कि ये चीज़ें तो आपको पहले ही क्लियर हैं। तो ये यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन का एक क्वेश्चन है, जैसे स्टेसी परचेज अ फूड एक्स एंड क्लोथिंग वाई। ठीक है, ये फूड और ठीक है परचेजेज अ फूड और क्लोथिंग ये परचेज करती है, और उनका स्टेसी का जो है ये यूटिलिटी जो है यूटिलिटी फंक्शन ये हमारे पास दिया गया है जो एक्स वाई है, और जो इसका मार्जिनल यूटिलिटी हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, एंड सी हैज़ अ मंथली इनकम ऑफ $800 है उसकी मंथली इनकम, और प्राइस ऑफ फूड जो हमारे पास है वो $20 है, एंड प्राइस ऑफ क्लोथिंग हमारे पास कितना है $40 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ऑप्टिमल कंजम्पशन इसका कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमारे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, यही इन्फॉर्मेशन हमारे पास सफिशेंट है कैलकुलेट करने के लिए, क्या हमें इंटीरियर सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए। तो मैंने पहले भी आपको साथ डिस्कस किया हुआ था कि हमें जो है टेंजेंसी कंडीशन हमें सबसे पहले सेटिस्फाई करनी होगी। सो टेंजेंसी कंडीशन क्या होती है हमारे पास, देखो हमें पहले टेंजेंसी कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, फिर हमें बजट कंस्ट्रेंट में इसको सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि आपके पास जो यूटिलिटी फंक्शन हमारे पास दिया गया है, तो यूटिलिटी यू इज इक्वल टू एक्स वाई है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कैलकुलेट करेंगे। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कैलकुलेट करने के लिए हम पूरा यूटिलिटी फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, फिर ये क्या आएगा, ये वाई के इक्वल आएगा। एंड सिमिलरली हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई का को भी कैलकुलेट करेंगे, तो इसको भी हम सिंपली इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, एक्स वाई, ठीक है, इसको लिखेंगे तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये एक्स के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई। अब हमें पता है कि पी एक्स का जो प्राइस है वो हमारे पास 20 है, एंड पी वाई जो प्राइस है हमारे पास वो 40 है। ठीक है, अब इन वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इन वैल्यू को किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारी यूटिलिटी कहाँ मैक्सिमाइज होती है, जहाँ पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई की ये स्लोप बताता है, किसका इंडिफरेंस कर्व का स्लोप बताता है, और ये बजट लाइन जो है उसके स्लोप के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, लेट्स प्लग इन द वैल्यूज, तो इनमें वैल्यू प्लग इन करेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स क्या है, वाई के इक्वल है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई कितनी है, एक्स के इक्वल है, इनको इक्वल कर देंगे, पी एक्स हमारे पास 20 है एंड पी वाई हमारे पास 40 है। ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे हम तो ये आ जाएगा हमारे पास वाई अपॉन एक्स किसके इक्वल आ गया, ये 1/2 आ गया। ठीक है, इनको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, इसको आगे और सिंप्लीफाई मैं करता हूँ, तो वाई की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, ये 1/2 और ये एक्स इसके इक्वल आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है कि इस जो हमारे पास जो है इस कम्बिनेशन में हम दो कमोडिटी का यूटिलाइजेशन करेंगे। ठीक है, इस कम्बिनेशन में यूटिलाइजेशन करेंगे, अब इसे हम बजट कंस्ट्रेंट में सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो बजट कंस्ट्रेंट हमारे पास क्या है, बजट कंस्ट्रेंट सबसे पहले समझ लें कि जो हमने बजट लाइन ड्रॉ की है वो हमारा बजट कंस्ट्रेंट है, जो मैंने पहले आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। तो ये किसके इक्वल है, पी एक्स, मैं इसका प्राइस लिख देता हूँ एक्स का, फिर एक्स की क्वांटिटी लिख देता हूँ तो पता चलता है कि एक्स में कितनी स्पेंडिंग कर रहे हैं हम, फिर पी वाई लिख देते हैं, ठीक है, प्राइस, और ये फिर वाई लिख देते हैं, और किसके इक्वल होगा, टोटल इनकम के इक्वल होगा। तो यहाँ पे प्राइस क्या है पी एक्स का, यहाँ पे 20 है, और एक्स का वैल्यू ऐसे ही लिख देंगे, पी वाई का प्राइस कितना है 40 है, और वाई किसके इक्वल है, ठीक है, वाई किसके इक्वल है, यहाँ पे 1/2 और एक्स जो मैंने कैलकुलेट किया हुआ था। ठीक है, तो इसको मैं 1/2 एक्स कर देता हूँ, और हमारे पास इनकम का लेवल कितना दिया हुआ है, जो ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दिया गया है, ये 800 के इक्वल है। ओके, तो हमें क्या करना है, अब ये यहाँ से कर देंगे आप, ये 2 आ जाएगा, तो इसको आगे चलते हैं, ये आ जाएगा 20x प्लस ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये भी 20 है, ठीक है, और ये भी 20x आ गया। ठीक है, किसके इक्वल हो गया, 800 के इक्वल हो गया। ओके,
अब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा, प्लस करेंगे 40x आएगा, 21 के इक्वल आ गया, ये 800 के इक्वल आ गया। x को ऐसे करेंगे ये आ जाएगा 800 अपॉन ये 40 आ गया, ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20, ठीक है। तो हम x का कितना कंजम्पशन कर रहे हैं, हम 20 कंजम्पशन हम x कमोडिटी का कर रहे हैं, ठीक है। तो x का वैल्यू तो हमारे पास आ गया और हमें क्या करना है, अब हम आगे देखेंगे कि हम y का कितना कंजम्पशन करते हैं। तो y किसके इक्वल था, y इक्वल टू 1/2 x के इक्वल था। अब हम इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे x का, तो x का वैल्यू कितना आया हमारे पास, 20 आया। इसको फिर काट के कैंसिल करके जो भी करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास 10 वैल्यू आ गया, ठीक है। तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक x का वैल्यू कितना आ गया, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, x 20 कंजम्पशन करेंगे हम, और हम y का कितना करेंगे, 10 कंजम्पशन करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग बंडल आ गए। अब हमें देखना है कि यूटिलिटी हमारी कितनी होगी। तो मैंने बताया था कि यूटिलिटी का फंक्शन हमारे पास ये एक्स वाई के इक्वल है, तो इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, ये एक्स का 20 आ गया और वाई का 10 आ गया, तो इनको करेंगे तो ये कितना आ गया आपका, 200 आपकी यूटिलिटी आ गई, ओके। तो दोस्तों तो ये बिल्कुल ये मैंने आसान तरीके से किया है। मैं एक और आपको इसमें स्टेप बता देता हूँ। स्टेप वन आपको क्या करना है, स्टेप वन आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले ये कंडीशन फुलफिल करनी है, ठीक है, ठीक है, ये कंडीशन करनी है आपको, ये वाई है, ठीक है। इस कंडीशन के बाद जो भी वैल्यू आ जाती है एक्स और वाई की, या एक्स इन टर्म ऑफ वाई जो भी आ जाता है, एक कम्बिनेशन आ जाता है हमारे पास एक्स और वाई का, उसको क्या करना है स्टेप टू में, स्टेप टू में उसको बजट कंस्ट्रेंट आपके पास जो भी आएगा बजट कंस्ट्रेंट में सब्सटीट्यूट कर देना है, ठीक है। और थर्ड स्टेप में हमें सॉल्व द बजट कंस्ट्रेंट, ठीक है, आपको बजट कंस्ट्रेंट को सॉल्व करना है। तो उसके बाद आपके पास जो भी वैल्यू आएगी एक्स एंड वाई की, वही आपकी ऑप्टिमम वैल्यूस आएगी, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।